अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पेट्रोल डीजल के दाम व बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज मानवाधिकार एवं न्याय सुरक्षा प्रहरी ने मेरठ जिला मुख्यालय पर अनोखा प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता अपनी बाइक पर वाहन बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा किए हुए थे। इन लोगों का कहना है कि कोरोना काल के कारण वैसे ही लोगों की आर्थिक कमर टूटी हुई है। बढ़ती महंगाई ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। महंगाई के कारण आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। दाल सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। संगठन के मंडल अध्यक्ष ओमकार शर्मा ने इस मौके पर यह कहा। ओमकार शर्मा मेरठ मंडल अध्यक्ष मानवाधिकार न्याय सुरक्षा। आज प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पिछले वर्ष जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, जब से सबके रोजगार खत्म है, नौकरियां खत्म है, उसके बावजूद महंगाई अपने इतने उच्च स्तर पर है कि आम जनमानस का जीना मुहाल है। दो वक्त की रोटी तक के लिए भी पर्याप्त जो कि नहीं है। उधर पेट्रोल के दाम 100 के आसपास हैं, डीजल के रेट 90 के आसपास हैं, रसोई गैस 850 रुपये की है, सरसों का तेल जो कि पहले 80-90 तक होता था आज 180-190, रिफाइंड 150 रुपये। जो महंगाई है, मैं मानता हूँ कि जो सरकार की नीतियाँ हैं वो सरकार की नीतियाँ सही नहीं है, सरकार की खराब नीतियों के चलते महंगाई बढ़ रही है। और हम मांग करते हैं कि ये महंगाई कम करी जाए, क्योंकि डीजल पेट्रोल सीधा इसका अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। माल भाड़ा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई इतने उच्च स्तर पर जा रही है। अरे सरकार से क्या मांग चाहते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि डीजल के रेट कम करे जाए, पेट्रोल के दाम कम किए जाए, रसोई गैस के दाम कम किए जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए fatbhai.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।